दुनिया के अंदर जितने भी मजहब हैं वो प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, आपसी यकजहती का पैगाम देते हैं, सबको मिलजुल कर रहने का पैगाम देते हैं, इंसानियत का और भाईचारे का पैगाम देते हैं। कुछ ऐसे शरारती अनासर हैं, कुछ मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो इस किस्म का प्रोपेगेंडा और इस किस्म की शरारतें करते हैं और एक दूसरे के मजहब के ऊपर कटाक्ष करते हैं। ये बहुत ही मजम्मत करने वाली बात है। सब चाहे हमारे ऋषि मुनि हो, पीर फकीर हो, पीर पैगंबर हो, सब आपसी भाईचारे का पैगाम देते हैं, इंसानियत का पैगाम देते हैं, मिलकर रहने का पैगाम देते हैं, अच्छाई और सच्चाई का पैगाम देते हैं, हुबले वतनी वतन परस्ती का पैगाम देते हैं, इंसानियत का पैगाम देते हैं और उस पर अमल करने का जोर देते हैं। और हम सब मिलजुल कर अपने मुल्क के अंदर इकट्ठे होकर अपने पीर फकीर ऋषि मुनि साधु संतों पीरों पैगंबरों के उन फरमानों उन अल्फाजों को अपने जीवन में अपनी जिंदगी में लाते हैं तो इंसान का जीवन इंसान की जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। लेकिन कुछ शरारती अनासर होते हैं जो मुल्क दुश्मन ताकतों के साथ मिलकर इस किस्म के षड्यंत्र और साजिशें करते हैं, उनको नहीं बख्शा जाएगा। हमारा हिंदुस्तान ये सबका हिंदुस्तान है, 130 करोड़ हिंदुस्तानी जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी हम सब मिलजुल कर रहते हैं, ये हम सबका बहुत ही खूबसूरत हिंदुस्तान है। मैं सभी अपने बहन भाइयों से नौजवानों से बुजुर्गों से गुजारिश करता हूं कि ये जो साजिश करने वालों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, हम अपना आपसी भाईचारा बना के रखें। ये बहुत ही शरारत है, साजिश है, लोगों को जिन जिन ने ये साजिश की है उनको गिरफ्तार किया गया और हम चाहते हैं कि इसकी पूरी तहकीकात की जाए। जिसने भी इस मामलात के अंदर ये सारी साजिश की है उसकी जड़ तक जाकर साजिश करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि ये कोई आम आदमी का काम नहीं है, इसके पीछे जरूर बहुत बड़ी साजिश है। जो देश की दुश्मन ताकतें हैं वो जब यहां फेल हो रही है, वो अपने मंसूबों के अंदर कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलजुल कर हम रह रहे हैं, जब भाईचारा मजबूत है, प्यार मोहब्बत मजबूत है, इंसानियत मजबूत है, तो देश दुश्मन जो ताकते हैं उनको तकलीफ हो रही है और उन्होंने कोई खेल खेला है। इस खेल को हमने बेनकाब करना है और साजिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मैं सबसे अपील करता हूं कि आपसी भाईचारा प्यार मोहब्बत हम बना के रखें, हम सब एक हैं, ये मुल्क हमारा है और एक दूसरे के मजहब की एक दूसरे के कल्चर की रिवायत की इज्जत करना, उनकी रिस्पेक्ट करना ये हम सबका काम है और ये हमारी सदियों पुरानी रिवायत रही है, हम सब मिलजुल कर रहेंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि इस साजिश के अंदर जो जो भी हैं हमने उन सबका डट के एक होकर मुकाबला करना।